हेलो एवरीवन सो इन दिस वीडियो विल बी बिगनिंग विद द न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन बहुत आसान चैप्टर है अब पहले तो मैं बता दूं कि ग्रेविटेशन चैप्टर में मेन दो पार्ट्स आते हैं एक पूरा ग्रेविटेशन वाला पार्ट और दूसरा पार्ट आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर का तो ये जो थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला पार्ट है ये टू तो के सिलेबस से हट चुका है सो इन केस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियोज़ बना दूंगी स्पेशल वीडियोज़ बट अभी क्या है टू थाउजेंड ट्वेंटी के हिसाब से ही कवर करेंगे हम कि जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें वही पार्ट कवर करेंगे जो आपके कोर्स में है यानी जो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में आपने एग्जाम देना है उसके अकॉर्डिंग जो जो सिलेबस होगा वही वही डिस्कस करूँगी मैं ताकि आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए समझना भी और ये चैप्टर जल्दी से कवर अप भी हो जाए तो ग्रेविटेशन चीज़ क्या है आपको पता है बहुत बेसिक चीज़ है हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे होता है अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है विद अ पर्टिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे रहता है ठीक है जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा तो क्यों गिरा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज़ क्वाइट सिंपल लेकिन ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं थी जब ये डिस्कवर नहीं हुई थी तब तो क्या हुआ इट वॉज़ न्यूटन आइजक न्यूटन साइंटिस्ट थे आपने सुना भी होगी ये स्टोरी कि वो एक पेड़ के नीचे एक एप्पल ट्री के नीचे लेटे हुए थे अचानक से उनके सर पे एप्पल गिरा बिकॉज ऑफ विच ही थाट ऑफ दिस थिंग कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और क्यों हर चीज़ अर्थ से अट्रैक्ट होती है और क्यों जैसे अर्थ से हर चीज़ अट्रैक्ट होती है क्या यही रीज़न होता है कि अर्थ से मून अट्रैक्ट करता है और मून अर्थ के राउंड रिवॉल्व करता है है ना ऊन अर्थ के अराउंड क्या सिर्फ इसी रीजन के वजह से रिवॉल्व होता है और क्या यही रीजन होता है जिसकी वजह से प्लानिट्स रिवॉल्व होते हैं सो so ये सब चीज़ें ये धीरे धीरे आती रही बढ़ती रही फिर पता चला कि ये जो ग्रेविटेशनल पुल एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज़ को होल्ड करने के लिए ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ये सब डिस्कवरी करी इससे पहले भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जो ग्रेविटेशनल पुल के बारे में एक प्रपोजल रखते थे एक दावा रखते थे लेकिन वो धीरे धीरे उनकी थ्योरीज थे रिजेक्ट होती थी अनफॉर्चुनेटली इट वॉज़ आइजैक न्यूटन जिनकी थ्योरी एक्सेप्ट हुई सो दिस वॉज फॉर्चुनेट फॉर आइजैक न्यूटन कि उन्होंने ये चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी करी और उसके बाद ये हमारा लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारा पहला टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजक न्यूटन का ही लॉ था उन्होंने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स में खाली अर्थ पे नहीं एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स बोल दूँ मैं ए एंड बी ठीक है अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ पर्टिकुलर फोर्स ठीक है अगर मैं इसका मास ले लेती हूँ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल है ठीक है ये वाले ऑब्जेक्ट का मास छोटा बना देती हूँ ये वाले ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल है ठीक है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ पर्टिकुलर फोर्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मासज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स ठीक है इसके और इसके दोनों मास के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है एंड इन्वर्सली प्रपोशनल इन्वर्सली प्रपोशनल का मतलब हो गया वन अपॉन इन्वर्सली प्रपोर्सनल टू द स्क्र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम यानि इसके और इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो डी है तो इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रपोर्सनल टू द स्क्र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम तो ये था हमारा जो न्यूटन ने चीज़ कही अब क्या है इन तीनों चीज़ों को मैं एक साथ एक लाइन में लिख देती हूँ F इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू m m अपॉन d स्क्वायर ठीक है मैंने एक साथ लिख दिया तीनों चीज़ें अब आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या लगता है एक कांस्टेंट लगता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट लगा वो कांस्टेंट था g तो ये हुआ f इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर ठीक है ये इक्वेशन आई तो ये जो g है इसी को कहते हैं ये जो कैपिटल g है इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अब एक चीज याद रखना कि मैं बोल रही हूँ कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का सिर्फ अर्थ की बात नहीं करी मैंने हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को ठीक है हमें अर्थ अट्रैक्ट कर रही है हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करेंगे ये बात समझ लो जैसे मैंने बोला कि अर्थ इज़ अट्रैक्टिंग अस हम पे कुछ फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से हम अर्थ से पुल हो रहे हैं मतलब हम अर्थ से लगे हुए हैं ऐसा नहीं है हम हवा में घूम रहे हैं तो क्या हम अर्थ को नहीं अट्रैक्ट कर रहे होंगे थर्ड जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है वो भी यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन याद करो थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ये वाली चीज़ ने भी यही कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ पर्टिकुलर फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद अ पर्टिकुलर फोर्स विच मीन्स के अगर हम अगर अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है तो हम भी अर्थ को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा क्यों होता है कि अर्थ हमारी तरफ नहीं मूव होती हम अर्थ की तरफ मूव होते बिकॉज अगर मैं अर्थ का साइज बोलूं तो अर्थ का साइज होगा रफली ये और इसके कंपैरिजन में हमारा साइज़ क्या है एक पर्टिकुलर डॉट जितना बहुत छोटी सी डॉट जो शायद विजिबल भी ना हो फोन फोन में मेरे तो अर्थ का साइज बहुत बड़ा है हमारा साइज़ बहुत छोटा है तो जिसका फोर्स ज़्यादा जिसका मास ज़्यादा ठीक है यहाँ लिखा हुआ है ना जिसका मास ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा ठीक है तो क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा तो वो जो हम पे फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हम उस पर जितना फोर्स लगाएंगे ठीक है ना तो यहाँ से ये चीज़ भी प्रूव हो गई कि हम अर्थ की तरफ क्यों नहीं हम अर्थ की तरफ मूव करते अर्थ हमारी तरफ क्यों नहीं मूव करती क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वो हमारी तरफ मूव भी कर रही हो लेकिन ऐसा दिखता नहीं है हमारा साइज़ एकदम इतना सा है अर्थ के ऊपर राइट right. तो दो चीजें मैंने अभी तक समझाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम आगे देखते हैं सो so मैंने अलग से लिख दिया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m m अपॉन d स्क्वायर यानी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया एक कांस्टेंट लगाया जी एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वेर जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड थी एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू आई थी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेंथ के बार माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी ये इसकी यूनिट होती है यूनिट पे मैं अभी बात करती हूँ बट ये जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है जो आपको लर्न करनी है ठीक है हर क्वेश्चन में ये वैल्यू यूज होएगी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन छोटा भी कर सकते हैं आप सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेंथ के बार माइनस इलेवन ठीक है ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए क्वेश्चंस में ये वैल्यू आपको देनी होगी खुद निकालनी होती है अब आते हैं इसकी ऐसा ही यूनिट पे ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी ऐसा SI यूनिट क्या है तो इधर से देखो मैं ऐसा यूनिट डिराइव करूँगी जी अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये एफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू जी एम इन एम लिख सकती हूँ मैं इसको ये डी उधर गया अब मैं ये एम इन एम नीचे ले रही हूँ एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इन टू एम इक्वल टू जी तो g की वैल्यू आ गई एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इन टू एम क्यों कर रही हूँ मैं ये सब बिकॉज मुझे इसकी ऐसा SI यूनिट चाहिए ठीक है ना मुझे पता है यही क्वेश्चन चल रहा होगा मन में तो फोर्स की ऐसा SI यूनिट क्या होती है फोर्स की ऐसा SI यूनिट होती है न्यूटन पता है ना d डिस्टेंस किस में लेते हैं हम मीटर में लेते हैं तो मीटर मैं सबकी ऐसा यूनिट्स लिखती जा रही हूँ यहाँ देखो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर एम और एम ये मासिस किस में लेते हैं के जी में तो ये हो गया के जी में ये स्मॉल भी ये भी दोनों के जी में होते हैं मासिस तो अब यहाँ से यूनिट क्या आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी आ गई ये है हमारी ऐसा यूनिट जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यही चीज़ में लिखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी याद रखनी है वन मार्कर क्वेश्चन ऐसा यूनिट बताओ जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ऐसा यूनिट क्या होती है अब आती है इंपॉर्टेंस की कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है सो so, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इससे क्या क्या चीजें प्रूव हो सकती है मोशन ऑफ अर्थ मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ मोशन ऑफ प्लान अराउंड सन अर्थ ग्रेविटेशनल पुल अर्थ हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लगाती है वो इससे एक्सप्लेन हो सकता है ठीक है मून के अराउंड अर्थ के अराउंड मून रिवोल्व होता है वो प्रूव हो सकता है ठीक है मून के मोशन ऑफ प्लानट्स अराउंड सन जैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है प्लानट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं ये चीज़ प्रूव हो सकती है लास्टली टाइट्स क्यों आती है हाउ द सन एंड मून कॉजेज टाइट्स आपको पता है दो तरह की टाइड्स होती हैं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स डिपेंडिंग ऑन पोजिशन ऑफ सन एंड मून टाइट्स आते हैं तो वो किस तरह काम करती है वो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है ये एक्सप्लेन कर सकता है ये वाली चीज़ें ठीक है अब एक बार इन दोनों पे एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि जैसे अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है या फिर बोलूँ कि सन के अराउंड डिफरेंट प्लानिट्स रिवॉल्व करते हैं तो वो क्यों करते हैं क्योंकि अर्थ उनको अट्रैक्ट कर रही है विद दिस ग्रेविटेशनल पुल है ना अर्थ उन्हें अट्रैक्ट कर रही है विद दिस ग्रेविटेशनल पुल जिसकी तरह जिसकी वजह से उनके ऊपर एक सेंटर से फोर्स लगता है दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक है सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हो गया अगर एक कोई पर्टिकुलर चीज है उसी के अराउंड एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है घूम रहा है उसके अराउंड तो क्या है उसके ऊपर एक सेंटर से फोर्स लगता है अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ लो कि आप एक आपने क्या किया एक थ्रेड के अराउंड एक स्टोन टाई किया और उस थ्रेड को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं वो स्टोन घूमेगा एक सर्कुलर सा पाथ फॉर्म कर लेगा ठीक है तो वो जो फोर्स है जो उसको होल्ड करके रख रहा है दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स सिमिलर रीजन की वजह से रीजन की वजह से जो लट्टू होता है ठीक है जो आप उसे घुमाते हैं सिमिलर रीज़न की वजह से वो घूमता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स वो स्टेबल इसी वजह से रहता है क्योंकि उसके ऊपर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है ठीक है तो ये डिटेल में सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में आप इलेवंथ में समझेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर वापस रिपीट होगा इलेवंथ में बट यहाँ अभी इतना डिटेल में नहीं है बस एक समझ लो कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक सेंटर से फोर्स लगेगा जिसका नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नेक्स्ट फ्री फॉल आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू सो मच एवरीवन